आओ, ये हमारा गेस्ट हाउस है घर जैसा। नंदिनी, नंदिनी। अभी आई मामा जी। तुम ऊपर जाओ, जाओ। बाबा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं भाई, वो फिसली तो मैंने उसे पकड़ लिया, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था। मामा जी। नंदिनी, तेरी फ्रेंड। क्या मेरी फ्रेंड? मतलब फ्रेंड जैसी, मेरी गेस्ट। तुम पूरा ख्याल रखो, हम्म? तुम जाओ। अरे सुनो, स्लिप हो जाओगी। तुम जाओ। नंदिनी, तुम मेहमान को। अरे यहाँ कोई सिनेमा की शूटिंग हो रही है? ऐसी बात नहीं है, स्पेशल गेस्ट आई है, रात को हमें क्या इंतजाम करना होगा ये? अच्छा, डबल मीनिंग में बात कर रहा हूँ। नहीं, 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 नहीं भाई, डबल मीनिंग नहीं है, सिंगल मीनिंग है। रात को खाने में क्या इंतजाम करना है? हम जो खाएंगे वो भी वही खाएगी, मैं होना सब देख लूंगा। भागो, अबे निकलो यहां से। माँ जी। क्या है बेटा? मेरे कपड़े यहाँ तक कहाँ गए? मैं नहीं जानती। यही तो थे, कहाँ गायब हो गए? सतीश, ये कहाँ मर गया? क्या बात है, आपको क्या चाहिए? यहाँ मेरे कपड़े रखे हुए थे, गायब हो गए। ओहो। पल्लवी जी, क्या बात है? ये क्या है? पापड़ है। पापड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बदन पे जो कपड़े। वही, मेरे कपड़े क्यों पहने तुमने? क्योंकि मेरे कपड़े नहीं है इसीलिए। तो फिर क्या मेरे कपड़े पहनोगे तुम? बिल्कुल। उतारो। उतारो। अरे रो मत भाई, मेरी बात सुनो। डैडी, मम्मी, उन्हें क्यों बुलाती हो? यहाँ मुझे खाना तो मिल रहा है, लेकिन कपड़े नहीं। अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, तो नंदिनी के कपड़े पहन सकती हो ना? क्या? नंदिनी के कपड़े और मैं पहनूं? तो उसमें क्या हुआ? नंदिनी की पर्सनालिटी क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है? नंदिनी की बॉडी क्या है, मेरी बॉडी क्या है? नंदिनी की हाइट क्या है और मेरी हाइट क्या है? शिव शिव, ये क्या कर दिया? लूज पैंट है। ठीक है ठीक है, पहले पैंट पहनो। हाथ में आटा है, तुम पहना तो ना। अरे कमाल कर दिया। सॉरी। नीचे। जानता हूँ। हिलो मत, हिलो मत। टच कर रहे हैं मुझे, कैसे ना हिलू? हाँ ठीक से पहना रहा हूँ ना। ऊपर तक आ गया ना? बीच में हो, ऊपर आओ। बीच में? अभी ठीक है। थैंक यू। अब तो खुश हो ना, चलो जाओ अंदर। नमस्ते जी। नमस्ते। फिर से खुल गई, अभी तो पहनाया था। और तुम लोग टीवी में फिल्म देख रहे हो, भागो। मुझे लगता है हम सब कबाब में हड्डी बने हुए हैं। चलो चलो, तुम ऐसे ऐसे नहीं मानोगे, चलो यहाँ। इस मजबूत रस्सी से बांधूंगा तो ये कभी नहीं खुलेगी। पंडित, पंडित कौन है? कौन है? मैं हूँ, जल्दी चलो। एक बड़े पैसे वाली पार्टी आई है, है? आओ। काशी के महापंडित हैं, श्राद्ध अच्छा करवाते हैं, आइए। बढ़िया आसामी पकड़ के लाए हैं ये लोग। अरे भाई, इतने सारे फोटो की लाए हो, क्या सब लोग हैजे की बीमारी से एक साथ मर गए? इन्हें ज्यादा बात पसंद नहीं है, समझे? अच्छा हुआ, नहीं तो सब मेहनत बेकार जाती है, हमारा धंधा चौपट हो जाता है। भगवान। सर सर, मेरे बोट में आ जाइए सर। सरकार, वो फोटो वहाँ रखे, अपना सामान यहाँ रख के जाइए और उस पवित्र गंगा नदी में स्नान करके आइए। ओम हर हर महादेव, शंभो शंकर। गुरु जी, ये गहने वाली पार्टी नहीं है, काटने वाली पार्टी है। गंगा मैया, यहाँ डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। मेरे भाइयों को जिस जगह की मिट्टी पर मारा है, उसी जगह की मिट्टी पर उसे बुला के मारूं, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे। बैठिए, शुरू करो। अच्छा भाई साहब, उनका नाम तो बताइए। चाकू वीरेंद्रनाथ,
50 लोगों को मारने वाला, चाकू वीर भद्रनाथ 70 लोगों को मारने वाला, चाकू वीर प्रतापनाथ 100 बंदों को मारने वाला। मरे हुए 12 साल हो गए। अरे कौन सी जगह के हैं पूछ लो तो अच्छा है। सरकार आप कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद। शुरू करो। हाँ 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 सुनो, मंत्र शुरू करने को बोल रहे हैं, तुम लोग भी यही रुकना। मंत्र तो आपको ही पढ़ने हैं ना। अरे ये बात तो मुझे पता है दोस्त, लेकिन तुम भी रुकना मेरे साथ। शुक्लम भरतरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम व्याजये सर्वविघ्नं प्रशान्तये अग्रये शाश्वते जातं जातं महर्निशम अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं चार्थे ओम कृष्णयाति। ये तो भाग्य है, मुझे भरा गया, मैं अकेला रह गया, यही मर गया, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे झूठ बोला, मुझे जाने दो, सब गड़बड़ घोटाला। हेलो मुमताज, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। आज घर में माहौल ठीक नहीं है, थोड़ी गड़बड़ है। गुस्ताख, तुमने शौकत अली खान का प्यार देखा है? गुस्सा नहीं, इज्जत से जीते हम यहाँ। हैदराबाद के रहने वाले हम, इतने बरस हो गए हमें यहाँ रहते, मगर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख सके। तुम मुसलमान हो, ये हिंदू है, आज तुमने इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की है। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो अयोध्या में राम की नहीं बल्कि शौकत अली खां के लिए हिंदू और मुसलमान अपना खून बहा देंगे। सलीम। तो नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगा साहब। नहीं, 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 छोड़ दीजिए मुझे। नागेंद्र, पुलिस स्टेशन में फोन लगाओ। मुमताज, फोन रखता हूँ, मैं कैंटीन में वेट करूंगा तुम्हारी। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे डर लग रहा है। आज नहीं, क्या सुन रहा है? अगर तुम्हारे अब्बा हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए तो तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, तुम फौरन कैंटीन के पास आ जाओ। सुनो, तुम प्रदीप के मामा हो ना? हाँ। तेरे भांजे को शौकत अली खान ने बांध रखा है। खान साहब, ये कौन हो तुम? मैं प्रदीप का मामा हूं। तुमने इसको दाल रोटी खिलाकर बड़ा किया या घास फूस खिलाकर? मैं हैदराबाद से यहां आकर बस गया। मैं जानता हूं तुम हिंदुओं में औरतों की कितनी इज्जत होती है। पता है तुम्हारे भांजे ने क्या किया? मुमताज, बोलो मुमताज, तुम उससे प्यार करती हो या वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? बोलो। मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ अब्बा जान, यही रोज फोन करके मुझे परेशान करता है। बस जाओ। तुम्हारे घर की औरतों के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? ए, मार उसको! शौकत अली खान, स्टूडेंट्स अगर गलती करें तो उसे सिखाने वाले मास्टर को गलत मानते हैं। एक बच्चा कोई गलती करे तो उसे बड़ा करने वाला बाप गलत है। मैं इसका माँ बाप सभी कुछ हूं। उसने गलती की है तो गलती मेरी है। आप मुझे मारो। नहीं, उन्हें मत मारो, मुझे मारो, मैंने गलती की है, मेरे मामा का कोई कसूर नहीं है सर, प्लीज सर। वाल्मीकि, नहीं। कब से मार रहा है? खत्म कर दे इसको। बस,
बहुत हो गया, छोड़ दो इसे। शौकत अली खान, एक बात गौर से सुन लो कि गलती हमारी है, इसलिए सर झुका के जा रहा हूं, नहीं तो यहां से सर काट के ले जाता तुम सबके। मेरा भांजा फोन करता था, इसका मतलब आपकी बच्ची ने भी तो उसको उकसाया होगा। हिंदू हो या मुसलमान हो, सब औरतों को मैं अपनी बहन समझता हूं। ब्याह के काबिल हो गई है अब वो, भरी महफिल में लाकर उसकी बेइज्जती मत करो, उसके मन को टटोलो तुम, निकाह पक्का करो उसका। खुदा हाफिज़।